कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक, इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ और उपस्थित हूँ आज आपको महाराष्ट्र मुंबई के अंदर जो है पूरा चुनाव दिखाने के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि पीछे बाइक रैली है और ये परसान दादा के नारे यहाँ पर मजबूती से लग रहे हैं। कामोठे के अंदर हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर काफ़ी युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर प्रशांत दादा ठाकुर जो पनवेल विधानसभा से उम्मीदवार हैं, उनके समर्थन में कार्यकर्ता और इनके जो युवा साथी समर्थक हैं सभी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे कुछ साथियों से करते बातचीत, आप बने रही हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी भाई साहब नमस्ते। भारतीय जनता पार्टी और अन्य जो दल हैं इनको आम जनता वोट क्यों दे? भारतीय जनता पार्टी जो प्रशांत दादा ने पिछले कई सालों में जो पनवेल का विकास किया है उसकी दम पे हम वोट मांग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रशांत दादा को ही लोग वोट करेंगे, इस बात के हमें 100% की चुने गारंटी। आपका जो अपना क्षेत्र है इसमें पूरे में विकास किस प्रकार से करवाए प्रशांत दादा ठाकुर ने बताएं एक बार। आप जैसे कि देख रहे हैं कि पनवेल जो है वो एक मुंबई के दौर से दूर था, वो जोड़ने के लिए प्रयास हो गया भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से या फिर अन्य विकासों के काम जैसे भी हो सकती है। कि पनवेल में हम देख रहे हैं कि वड़ाले तालाब जैसे अच्छा किया था, वो आगे जाके क्रिकेट एसोसिएशन हो या फिर कुछ भी चीज़ हो, स्पोर्ट्स में बोलो या फिर सांस्कृतिक में, जैसे भी जिस प्रकार में आप आगे जाओगे वैसे वैसे हर चीज़ में प्रशांत दादा ने योगदान दिया है और वही उनका योगदान आने वाले जो चुनाव है उनके ऊपर जो लोग है वो सब चुनाव के अपने वोट देकर अपना कर्ज अदा करेंगे। ये तो वही प्रशांत दादा ठाकुर की बात, लेकिन बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी और साथ में अन्य दल ये जो है वो किस प्रकार से विकास पूरे राज्य भर में करवा रहे भी। भारतीय जनता पार्टी और महायुति के हमारे जो शिवसेना है, राष्ट्रवादी है, सभी आप पक्ष देख रहे हैं कि जो कंधे से कंधे मिलाकर पूरे महाराष्ट्र में हम काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा रहेगा बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, मेट्रो किया है या फिर अटल सेतु किया है या फिर मुंबई में भी आप देख रहे हैं कि बदलाव जो पिछले कई सालों में जो नहीं हुआ था वो सब महायुति ने करके दिखाया है, इसीलिए जनता ज़्यादा से ज़्यादा महायुति के पास अपना वोट देगी। चलिए और साथियों से बातचीत करते हैं, यहाँ पर कुछ साथी पीछे मौजूद है। जी भाई साहब क्या नाम अपना बताएं कर? मैं शिवसेना का हमारा शहर प्रमुख सुनील भाई गौर। जी क्या कहेंगे, काफ़ी बड़ी रैली है आज, बाइक रैली है। अभी यहाँ पे प्रशांत दादा ठाकुर 15 साल से आमदार है और यहाँ पे कोई विपक्ष पक्ष वाला कोई है नहीं है। अच्छा, महायुति से यहाँ पर नहीं है, जो भी है वो खाली करने उम्मीदवार जो अभी उपेक्ष है वो अपक्ष है, उनको अभी तक विकास आघाड़ी का कोई नेता नहीं है, जो है वो नए है और यहाँ पे प्रशांत दादा के खिलाफ और कोई हो ही नहीं सकता। इस साल में भी कम से कम प्रशांत दादा 1 लाख वोट से जीत जाएंगे। अच्छा, आप महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं मुंबई में एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूरा देश ही भर ही रहता है, अलग अलग राज्यों से लोग रहते हैं, वो किस प्रकार से प्रशांत दादा के साथ है? प्रशांत दादा के साथ में सब जाति के सब धर्म के लोग हैं, क्योंकि प्रशांत दादा ऐसे जो है पूरे समाज के जब जब मीटिंग रहती है वो समाज में प्रशांत दादा ठाकुर पहले जाके उनसे जो भी है बातचीत करके, अभी जहाँ प्रशांत ठाकुर का जब प्रचार होने से पहले सब समाज के लोगों की क्या क्या समस्या है वो समझ के लिए मीटिंग लेने के बाद ही प्रशांत दादा ने फॉर्म भरा है। जी अच्छा, क्या मानते हैं युवा लोगों के लिए क्या करेंगे? युवा लोगों के लिए जो नौकरी का जो प्रबंध है वही उनका ध्येय है और यहाँ पे अभी महानगर पालिका में जितने भी लोग युवा लोग है उनको सब पे काम पे लगाने का काम प्रशांत दादा कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ और भी साथी खड़े हैं, एक मिनट। तो हाँ जी भाई साहब आप बताएं आप क्या कहेंगे? अच्छा आप कहेंगे क्या कहेंगे सरदार जी प्रशांत दादा ठाकुर? प्रशांत ठाकुर जी के लिए कोई लफ्ज ही नहीं है, मतलब आप देख लीजिए रैली, ये तो एक वार्ड की रैली है, ऐसे तो 20 वार्ड है और पूरा ग्रामीण एरिया है। हमारे को आमदार साहब के साथ में 20 साल हो गए, कोई हमारे को पूछने भी नहीं आता कि दूसरा कोई है क्या आप, तो आप तो ये भूल ही जाइए कि उनकी विजय तो फिक्स है, अभी तक कैंडिडेट सामने वाले फिक्स नहीं कर पाए कि कौन सा कैंडिडेट है हमारी तरफ से रहेगा, बाराम पाटिल रहेगा कि शिवसेना रहेगी। आप सोचिए कि कैंडिडेट डर रहे कि तुम जाओ एक दूसरे को बोले, तो आमदार प्रशांत ठाकुर जी की आपको रैली देख के आप देख ही रहे वहाँ से लेके अभी तक साथ में आप हमारे, ये पक्का विजय उनकी आमदार प्रशांत ठाकुर जी की। क्या मानते हैं हरियाणा में अभी चुनाव थे, महाराष्ट्र में आ गए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुमत बना पाएगी कि नहीं? 100% 100% आ पाएगी। हरियाणा में कैसा लोगों ने विचार अलग किया था, यहाँ से भी विचार अलग कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे लोगों ने पक्का विचार अलग कर लिया है। चलिए ठीक है धन्यवाद। जी भाई साहब क्या मानते हैं कितने से जीत होगी? जीत रहेगी पक्का। चलिए पक्का जीत रहेगी। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि
अभी प्रशांत दादा ठाकुर आ चुके हैं और इसी वजह से ये जो है बाइक रैली यहाँ से वापस स्टार्ट हो गई है और यहाँ अभी सभी युवा साथी जो हैं वापस से अपने इस रैली के अंदर शामिल हो गए हैं। इनमें से कुछ और से भी बातचीत करने की इच्छा थी लेकिन अब ये रैली आगे बढ़ चुकी है तो इनसे कभी और किसी प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। और आपको कैसी लगी कवरेज कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। प्रशांत दादा ठाकुर के बारे में जो पनवेल विधानसभा से उम्मीदवार है क्या कहेंगे अवश्य लिखें। आपको बता दें कि मैं राष्ट्रवादी पार्टी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी हैं प्रशांत दादा ठाकुर और आपने काफ़ी नाम सुना होगा पनवेल विधानसभा। पनवेल में काफ़ी बड़े अच्छे इलाके हैं जैसे खारघर हो गया, रोडपाली हो गया, खार आपका जो अभी जाम खड़े हैं कामूठे हो गया, तो इस प्रकार से पूरी विधानसभा को हम कवर कर ही रहे हैं और साथ में बीजेपी या अन्य जो भी पार्टियां हैं उन सभी पार्टियों की खबरें आपको विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में जो हो रहे हैं उनकी खबरें दिखा रहे हैं। कैसी लगी आपको कवरेज कमेंट बॉक्स में अपनी राय से दें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपल्या सर्वांना या पनवेलच्या विकासासाठी या कामोठ्याच्या विकासासाठी